Hello my dear students, I am your English teacher Mohammad Zameer. Today we are going to learn a very important topic of grammar on page number 41 of your My English book 7. Hello बच्चों, आज हम आपकी किताब के पेज नंबर 41 पे का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुनिए और साथ में इसको अपने नोटबुक में नोट भी कीजिए। जो भी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है आपके बुक में, बहुत सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई नहीं हैं, मैंने इसको फिलअप किया है, एडिट किया है, और आप भी क्या कीजिए उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इस वीडियो को समझने के लिए बार बार आप देखिए। सबसे पहले लैंग्वेज स्टडी, यहाँ पर हमको लैंग्वेज की स्टडी यानी कि अंग्रेज़ी की लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी ग्रामर के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। यू हैव लर्नड इन स्टैंडर्ड 6 दैट वर्ब्स एक्शन वर्ड्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स टू शो द टाइम एट विच द एक्शन हैपन्स। आपने छठी जमात में सीखा है कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब उर्दू में कहेंगे हम फेल यानी के काम, वो फेल वाला फेल नहीं, पास फेल जो होता है वो नहीं, उर्दू का फेल फे एन लाम फेल मतलब काम, कोई भी काम जैसे कि चलना, दौड़ना, खाना, ये सब क्या है, वर्ब्स हैं, ये सब फेल होते हैं, इसे काम कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, या ब्रैकेट में एक्शन वर्ड्स भी कहा जाता है इसको। इसका दूसरा नाम क्या है, एक्शन वर्ड्स, यानी कि जिस लफ्ज़ से कोई हरकत का हमको पता चलता है, जैसा कि चलना इसमें एक्शन है, मारना और उसके बाद फेंकना, कैच करना, ये सब क्या है, एक्शन से। तो ये हमने 6th में देख लिए हैं। और हैव डिफरेंट फॉर्म्स टू शो द टाइम एट विच द एक्शन हैपन्स, तो वर्ब जो है उसके डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग शक्लें होती हैं, किस लिए होती हैं वो, टू शो द टाइम, वक्त या टाइम दिखाने के लिए, एट विच द एक्शन हैपन्स, कि वो जो एक्शन है या वो जो काम है वो कब हुआ, वो वाक़या कब हुआ, ये दिखाने के लिए वर्ब की क्या होती है, शक्लें बदलती हैं, उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे देखिए, एक वर्ब लेते हैं हम लीव, LIVE, लीव, ये लीव वाला वर्ब, ठीक है, लीव के मायने होते हैं रहना। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब ये लीव, ये वर्ब जो है किस तरीके से अपनी शक्ल जो है बदलता है ज़माने के हिसाब से। यहाँ पे दिया है पास्ट, पास्ट यानी के ज़माने माजी, ज़माने माजी यानी के जो गुज़र चुका है वो दौर या वो वक्त। तो यहाँ पर एक जुमला बनाया हमने, ही लिव्ड इन अ होल, वो एक होल में, एक सुराख में रहता था। तो यहाँ पर हमारा जो ये लीव, ये वर्ब है, उसकी शक्ल बदल गई है, चेंज हो गई है, उसका फॉर्म चेंज हो गया है, लीव का लिव्ड बन गया है, क्या हुआ है, लीव से क्या बन गया है, उसका पास्ट फॉर्म लिव्ड बन गया है। तो ये लिव्ड देखते ही हमको समझ में आ जाता है कि ये जुमला पास्ट का है, ज़माने माजी का है, ये काम हो चुका है पहले। उसके बाद प्रेजेंट, प्रेजेंट में इस लीव का फॉर्म यहाँ पर चेंज हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ही आया है, ही, शी, इट, इसके साथ हमको अगर ये वर्ब लिखना है तो हमको उसको एस लगाना पड़ता है, तो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन तो ये ही लिव्स इन अ होल, इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है। अगर यहाँ पर ज़्यादा समझो दे आता, दे लिव इन अ होल आता, मतलब वर्ब की शक्ल यहाँ पे नहीं बदलती प्रेजेंट में, या वी लिव इन नांदेड़, हम नांदेड़ में रहते हैं, यहाँ पर भी जो है ज़माने हाल में वर्ब की शक्ल नहीं बदल रही, सिर्फ हमको यहाँ पर ही होने की वजह से यहाँ पर एस लगाना पड़ा, ठीक है। अब फ्यूचर का देखते हैं हम,
फ्यूचर यानी कि ज़माने मुस्तकबिल में इस वर्ब की जो शक्ल है कैसा बदलती है, इसका फॉर्म कैसा चेंज होता है। ही विल लिव इन अ होल, हम यहाँ पर लिव से पहले विल हमको यहाँ पर लगाना पड़ा फ्यूचर के लिए। विल लिव या शल, विल या शल का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है जब हम फ्यूचर का जो है सेंटेंस बनाएंगे, ज़माने मुस्तकबिल यानी कि जो आगे होने वाला है, प्रेजेंट ज़माने हाल, ये ज़माने हाल और पास ज़माने माजी, फ्यूचर ज़माने मुस्तकबिल आने वाला ज़माना, और ये प्रेजेंट यानी कि अभी जो चल रहा है वो ज़माना, और ये पास यानी कि जो गुज़र चुका है वो ज़माना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्या दिया गया है। यू ऑल्सो नो दैट द पास्ट टेंस फॉर्म्स यूजुअली हैव डी ई डी और आई ई डी एट द एंड। आप जानते हैं, यू नो दैट, आप जानते हैं कि पास्ट टेंस फॉर्म्स, कोई भी वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म हो, ज़माने माजी की शक्ल हो, तो उसमें यूजुअली आम तौर पे क्या होता है, आखिरी में डी या ई डी या आई ई डी आता है एट द एंड यानी कि आखिर में। यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पे दिया है जैसा कि शी सोल्ड मैंगोस, यहाँ सेल का पास्ट फॉर्म सोल्ड बना है, यहाँ पे इसके लास्ट में क्या है, डी आया है, ठीक है। ये डी की एक मिसाल देख ली हमने। आई प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे प्ले ये जो वर्ब है इसको ई डी लगाया गया है तो ये उसका पास्ट फॉर्म बना, प्लेड। शी सोल्ड मैंगोस, उसने आम बेची। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला इस तरीके से। और ही ट्राइड वेरी हार्ड, ट्राई टी आर वाई ट्राई, इस लफ्ज़ का पास्ट फॉर्म बनाने के लिए हमको वाई को हटाकर उसकी जगह आई ई डी लगाया हमने यहाँ पे, ट्राइड ये उसका पास्ट फॉर्म बना है। ही ट्राइड वेरी हार्ड, उसने बहुत सख्त मेहनत किया या बहुत कोशिश किया। तो इस तरीके से आपको समझ में आया है कि आम तौर पे क्या होता है, पास्ट फॉर्म जो भी होता है वर्ब का उसके आखिरी में डी आएगा या ई डी आएगा या आई ई डी आएगा, लेकिन ये यूजुअली यानी कि आम तौर पे होता है, हमेशा नहीं होता है। जैसा कि कोई लफ्ज़ है कम, सी ओ एम ई कम, तो इसका पास्ट फॉर्म कम्ड या कमेड या कमीड नहीं बनता, इसका पास्ट फॉर्म केम बनेगा, है ना। ईट, इसका ईटेड ईटाइड ऐसा नहीं बनेगा, उसका क्या बनेगा, एट बनेगा, ए टी एट, इस तरीके से। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आया, आगे देखते हैं अब हम। सम प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स थर्ड पर्सन सिंगुलर हैव एस ईएस और आई ई एस। अब पहले हमको समझना पड़ेगा सम प्रेजेंट टेंस फॉर्म, कुछ ज़माने हाल की जो शक्ल होती है वर्ब की, मतलब ये जो वर्ब होते हैं प्ले फ्लाई सेल, इस तरीके से ये वर्ब की ज़माने हाल की शक्ल, यहाँ पे दिया थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है पहले ये हमको देखना पड़ेगा। अब थर्ड पर्सन कौन होता है, जैसा कि समझो आप और मैं बात कर रहे हैं, तो मैं जो है फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कौन हूँ, फर्स्ट पर्सन, पहला शख्स। उसके बाद आपसे बात कर रहा हूँ तो आप क्या हो गए, सेकंड पर्सन, ठीक है, दूसरे शख्स। और हम दोनों जो है किसी तीसरे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं कि फलां शख्स बहुत अच्छा खेलता है क्रिकेट, बहुत अच्छा खेलता है, या बहुत अच्छा ये एक्स वाई जेड जो लड़की है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो वो जो लड़की रहेंगी या वो जो लड़का रहेगा वो रहेगा थर्ड पर्सन, और वो एक है, वो क्या है, एक है, तो वो क्या रहेगा, सिंगुलर, वो क्या रहेगा, सिंगुलर, वाहिद। और थर्ड पर्सन प्लूरल कैसा रहेगा, जैसा कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं, ज़्यादा बच्चे हैं, तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल रहेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके लिए
थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी और इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही शी इट हैव एस ई एस और आई ई एस एट द एंड, उसके आखिरी में एस ई एस या आई ई एस होता है। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए ही प्लेस फुटबॉल। अब यहाँ पे ही कौन है, थर्ड पर्सन है यानी कि किसी तीसरे शख्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब है प्ले उसको हमको क्या लगाए, हमने उसको एस लगाए, प्लेस। इस तरीके से हमको ये बनाना पड़ा, ही प्लेस फुटबॉल, ये हमने सेंटेंस बनाए। तो समझ में आया ही कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तीसरा शख्स जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं हम, और वो भी कैसा है, उन्हें सिंगुलर है, वाहिद है, अकेला है। उसके बाद तो इसके आखिरी में क्या लगा है, एस, यहाँ पे जो हमने जिक्र करे थे एस। उसके बाद शी टीचेस अस, वो हमें पढ़ाती है। यहाँ पे जो टीच ये जो वर्ब है इसके साथ में हमने ई एस ऐड किए हैं, यहाँ पे दिया देखो ई एस, तो ये भी कौन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तीसरी शख्सियत है ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वो भी कौन सी है, वो सिंगुलर है, वाहिद है। तो यहाँ पर भी वर्ब की क्या हुई, शक्ल बदली, यहाँ पे हमने वर्ब को एस लगाए, यहाँ पे वर्ब को ई एस लगाए। अब आई ई एस कहाँ लगाते हैं वो देखेंगे हम, इट फ्लाइज हाई, यहाँ पे एक वर्ब है एफ एल वाई फ्लाई, तो हमने फ्लाई को जब उसको हमको क्या करना पड़ा, उसका वाई हटाकर उसकी जगह आई ई एस लगाना पड़ा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इट कोई परिंदा है समझो या कोई जहाज़ है, तो वो बहुत ऊंचा उड़ता है, हमको ये कहना है। तो इट फ्लाइज हाई, यहाँ पर हमने क्या करे, फ्लाई को आई ई एस लगाए। तो हमने देख लिए कि आई वी यू हाँ, तो हमने यहाँ पे जो है इसको आई ई एस लगाए हैं, फ्लाइज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखे थर्ड पर्सन सिंगुलर को हमको क्या लगाना पड़ता है, एस ई एस या आई ई एस लगाना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स यूज्ड विथ आई वी यू एंड दे डू नॉट हैव एस ई एस और आई ई एस। प्रेजेंट टेंस फॉर्म में अब ये हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर देखे थे, अब ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, पहला शख्स, मैं बात कर रहा हूँ समझो, आई प्ले क्रिकेट तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, वी प्ले फुटबॉल ये भी क्या रहेगा, फर्स्ट पर्सन रहेगा, मगर ये कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, जमा में हम सब। उसके बाद यू तुम, ये क्या है, सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन प्लूरल दे, ये दे क्या है, वो, ये थर्ड पर्सन है, लेकिन ये सिंगुलर है क्या, नहीं ये प्लूरल है, यानी कि ज़्यादा लोग। तो इनके साथ हम जो है डू नॉट हैव एस ई एस और आई ई एस, इसको हम आखिरी में एस या ई एस या आई ई एस नहीं लगाते हैं। मिसाल के तौर पे आई का जुमला हमने बनाए, आई प्ले फुटबॉल, हमने इसको एस नहीं लगा, आई प्ले फुटबॉल नहीं करे, करे क्या, नहीं करे, हम कैसे लिखेंगे, आई प्ले फुटबॉल। अब वी रीड बुक्स, हमने रीडेस या रीडीस या वी रीड्स बुक्स ऐसा नहीं किए, यहाँ पे इसकी शक्ल हमने चेंज नहीं करे वी के साथ, और यू, यू के साथ भी हमने शक्ल नहीं बदले, यू वर्क हार्ड, आप सख्त मेहनत करते हैं। इसी तरीके से दे का भी एक सेंटेंस हम बना सकते हैं कि दे प्ले वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से वो खेलते हैं, तो वहाँ पे हमने प्ले को चेंज नहीं करे। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम, द फ्यूचर इज इंडिकेटेड बाय विल एंड शल। अब फ्यूचर के जुमले अगर हमको बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें विल या शल का जो है हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसा कि आई विल वर्क हार्ड, मैं सख्त मेहनत करूँगा, वी शल ओवरकम, हम जो है ओवरकम होंगे या कामयाब हो जाएंगे या इससे उभर कर आ जाएंगे।
तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखे, आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बार बार चलाकर देखिए। और ये जो मैंने चीज़ें ये अंडरलाइन किया है पूरे, ये भी आप अंडरलाइन कीजिए और ये सेंटेंसेस नोटबुक में उसके साथ में आप लिखिए, ताकि आपको ये एग्जांपल्स मिले और आपको जो है समझने में आसानी हो। और इस वीडियो को बार बार आप देखिए। अब आगे हमको जो है कुछ एक्सरसाइज है। सबसे पहले है, यूज़ एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू शो द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस। नीचे कुछ वर्ब्स दिए गए हैं यहाँ पर, ये पूरे वर्ब्स है, लाइक, लव, आंसर, स्कैम्पर, वेट, स्निफ, लॉफ। तो आपको क्या करना है, इन वर्ब को अपने ओन सेंटेंसेस खुद के जुमलों में इस्तेमाल करना है। और तीनों भी जुमले आपको बनाना है, पास्ट का, ज़माने माजी का, प्रेजेंट ज़माने हाल का, एंड फ्यूचर टेंसेस ज़माने मुस्तकबिल के भी आपको जुमले बनाना है। तो यहाँ पे ये आपके बुक में भरा हुआ नहीं है, ये मैंने फिलअप किया है। आप लोग भी अपने नोटबुक में ये टेबल ऐसा बना लेना। ही लाइक्ड क्रिकेट। सब यहाँ पे पहले है पास्ट का कॉलम, यानी कि ज़माने माजी का, प्रेजेंट ज़माने हाल का, और ये ज़माने मुस्तकबिल फ्यूचर का। यहाँ पर लाइक्ड दिया है, पसंद करता था। ये वर्ब को क्या लगा है, यहाँ पे डी लगाया गया है। तो हम यहाँ क्या फिलअप किया, हमने ही भरे और यहाँ पे क्रिकेट भरे। ही लाइक्ड क्रिकेट, ये होगा ज़माने माजी में। अब ही लाइक्स क्रिकेट, अब यहाँ पे क्योंकि ही ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमको लाइक को एस लगाना पड़ेगा, लाइक्स। ही लाइक्स क्रिकेट, ये हो गया प्रेजेंट का जुमला। और फ्यूचर में ही विल लाइक क्रिकेट, वो क्रिकेट पसंद करेगा। इस तरीके से यहाँ पे हम सेंटेंस बदल भी सकते थे, ये जो क्रिकेट है इसकी जगह हम दूसरे भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपको समझने की आसानी के लिए, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, लास्ट ईयर आई रोट पोएम्स, पिछले साल मैंने पोएम लिखी, नाउ आई राइट स्टोरीज, अब मैं स्टोरीज लिखती हूँ, और इन फ्यूचर आई विल राइट नॉवेल्स, फ्यूचर में मैं नॉवेल्स लिखूँगी। तो हमने यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किए, यहाँ पे ये क्रिकेट है, इसको क्रिकेट ही रहने दिए, ठीक है। तो इस तरीके से किस तरीके से जो है यहाँ पे वर्ब की शक्ल चेंज हो रही है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे प्रेजेंट में लाइक है, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे लाइक्स, और पास्ट में इसको डी लगा, लाइक्ड बना, और फ्यूचर में विल लाइक, इस तरीके से बना। अब यहाँ पे अपने दिल से बनाना है, तो मैंने यहाँ पे बनाया है आई लव्ड प्लेइंग, मुझे खेलना अच्छा लगता था, आई लव प्लेइंग, मुझे खेलना अच्छा लगता है, आई विल लव प्लेइंग, मुझे खेलना अच्छा लगेगा। उसके बाद अभी सेंटेंस को आप थोड़ा सा जो है आगे देखिए, शी आंसर्ड इट, उसने इसका जवाब दिया, शी आंसर्स इट, वो इसका जवाब देती है, शी विल आंसर इट, वो इसका जवाब देगी। तो यहाँ पे आंसर्स है, यहाँ पे आंसर्ड है, और यहाँ पर विल आंसर आएगा। दे वेटेड फॉर हिम, यहाँ पे वेट का माजी में ई डी लगा के पास्ट फॉर्म वेटेड बना, और वेट का फ्यूचर में विल वेट बना। वैसे यहाँ पे लॉफ है, वी लॉफ एट हिम, ये लॉफ का माजी में लॉफ बना, और फ्यूचर में विल लॉफ बना। इस तरीके से आप टेबल को फिलअप कीजिए। अब लास्ट चीज़ जो है यहाँ पे कि कैन यू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, क्या आप नीचे का टेबल कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नोट दैट दीज वर्ब्स हैव इरेगुलर पास्ट टेंस फॉर्म्स, ये बात जहन में रखिए कि ये जो वर्ब्स है इसके जो है इरेगुलर फॉर्म्स है पास्ट टेंस में। मतलब जैसा कि हमने देखे कि कोई भी लफ्ज़ है लॉफ, इसका पास्ट टेंस में लॉफ्ट बन गया, ईडी लग गया, है ना। हमने देखे थे कि ज़्यादातर जो है उनको क्या लगेगा, यूजुअली डी ई डी या आई ई डी आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे वर्ब्स है जिसके पास्ट में जो है फॉर्म जब चेंज होता है तो वो
डी या ई डी या आई ई डी लग के नहीं होता है। जैसा कि गो या गोस, ये प्रेजेंट में है, इसका पास्ट में गोड ने बना या गोडीज ने बना, क्या है पास्ट फॉर्म इसका, वेंट है, और फ्यूचर में विल गो। वैसे कम है, कम का पास्ट फॉर्म कम्ड नहीं है, कम का पास्ट फॉर्म क्या है, केम, और फ्यूचर में विल कम। ईट है, ईट का पास्ट फॉर्म ईटेड नहीं है, क्या है उसका पास्ट फॉर्म, एट है, और उसके बाद फ्यूचर में विल ईट। और उसके बाद गिव, गिव उसका पास्ट फॉर्म गेव, और फ्यूचर में विल गिव। गेव गिव्ड बना क्या इसका, नहीं बना। वैसे फ्लाई का ये फ्लाइड नहीं है पास्ट फॉर्म, इसका बना फ्लू, और फ्यूचर में विल फ्लू। इस तरीके से ये विल फ्लाई, इस तरीके से हम ये टेबल फिलअप किए। उसके बाद कीप एडिंग मोर वर्ब्स टू दिस टेबल ऑफ टेंसेस, ये जो टेबल है टेंसेस का, आप और भी जो है तलाश कर सकते हैं क्रोम में, और कौन कौन से वर्ब्स है जिसके जो है इरेगुलर फॉर्म होता है पास्ट टेंस में, तो ये आप इसमें और बहुत सारे ऐड कीजिए और कलेक्ट करके उसमें बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक, टॉपिक को बार बार अच्छे से देखिए ध्यान से, और उसके मेन पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। और ग्रामर एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको आप अगर बीच में छोड़ देते हैं, बहुत दिन तक नहीं पढ़ते कोई भी चीज़, तो आप भूल जाते हैं, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो आप ये वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके सेव कर लेना आप इसको, और बार बार देखते रहना। और मेरे जो भी वीडियोस मैं बताता हूँ, उस वक्त जो है आप साथ में अपनी बुक जो है किताब, वो भी साथ में सामने रखना, एक नोटबुक रखना, एक पेन, और वहीं पर आप मेन पॉइंट्स नोट कर लेना, किताब में कुछ फिलअप करना है तो कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।